कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को जो है ना विकलांग बना दिया है, कि ये कहते थे 400 पार और जाके 240 पे अटक गए हैं। क्या गुजरात से लाए हैं डिजिटल इंडिया? बने बनावे घर में बस गए तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। अरे आप कुछ करके तो दिखाइए। आज इतना महंगा हो गया रिचार्ज के, फिर से लोग BSNL की तरफ रुख कर रहा है। चुनाव आयोग नहीं था, वो BJP आयोग था। ये जो है चापलूसी करता है नरेंद्र मोदी का। EVM खराब नहीं है, EVM को जो चलवा रहा है और जो उस सिस्टम को हैक कर रहा है उसका नाम चुनाव आयोग है, वो खराब है। दलित आदिवासी अगर इस देश में अपना हक अधिकार मांगे तो उसको जो है लात मार के बिलगा दिया जाता है। आप अगर मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो आपका बंगला गंगा जल से धोया जाएगा। इंसान तो इंसान है, तो भगवान को भी नहीं छोड़े कि उन्होंने भगवान को भी अपने जेब में रख लिया। भारतीय जनता पार्टी सिवाय अपने चुनावी फायदे के आस्था के और किसी भी आस्था को नहीं मानती है। नमस्कार, मैं शरण कुमार और हमारे साथ हैं जितेंद्र यादव जी। देश में जो इस समय चल रहा है, BJP की सरकार है, ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इंडिया गठबंधन के भी कार्यकर्ता हैं, हमेशा वो दावा ठोकते हैं कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है और इंडिया गठबंधन को कभी भी किसी वीरान खुशी मिल सकती है। तो ऐसे में क्या लग रहा है सर कि जो अभी सरकार चल रही है देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में देश चल रहा है, क्या लग रहा है कि इनकी सरकार कितना दिन तक चलेगी? देखिए, ये सरकार कब तक चलेगी नहीं चलेगी इसकी तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को जो है ना विकलांग बना दिया है। विकलांग किस तरीके से बना दिया है कि ये कहते थे 400 पार और जाके 240 पे अटक गए हैं। अगर आज नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर अपना समर्थन वापस ले लें, जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने अपना समर्थन लिया था, अटल जी के जो है समय में चंद्रबाबू नायडू ने अपना समर्थन वापस ले लिया था, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी, आपको याद होगा। उस तरीके से कि अगर आज जो है नीतीश कुमार जी और जो है ना चंद्रबाबू नायडू जी अगर इस अपना समर्थन वापस ले लेते हैं तो आज मोदी जी जो है हट जाएंगे और उनकी सरकार अलमत में तो है ही है, सरकार गिर जाएगी। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं देश की जनता को ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि प्रधानमंत्री जो तानाशाही रवैया अपना रहे थे, रात को 8 बजे आ गए कह दिए कि नोटबंदी हो गया तो बंदी हो जाता था, रात को 12 बजे आ गए GST लागू तो GST लागू हो जाता था, रात को जो है ना 12 बजे आकर लॉकडाउन तो लॉकडाउन हो जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब कम से कम इस देश की जनता ने बाबा साहब के बनाए हुए जो है लोकतंत्र को बचा लिया है। पहले क्या था कि इनके ऊपर विश्वास किया, ये तो समझिए कि इंसान तो इंसान है, तो भगवान को भी नहीं छोड़े, भगवान को भी कहने लगे कि हम राम को लाए हैं तुम हमको ले आओ, है ना, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरीके का जो है ना स्लोगन लोगों ने जो है बना करके मीडिया पर छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई, जो सृष्टि का निर्माता भगवान राम है, ईश्वर का अवतार है, आप उसको कैसे ला सकते हैं? आज भाजपा है कल नहीं रहेगी, आज कांग्रेस है कल नहीं रहेगी, एक समय था मुगलों का, मुग़ल आज नहीं है, एक समय था अंग्रेज का, आज अंग्रेज नहीं है, एक समय था पृथ्वीराज चौहान का, जो नहीं है, लोधी नहीं है, खिलजी नहीं है, औरंगजेब नहीं है, शाहजहां नहीं है, तो क्या मोदी जी रहेंगे? नहीं रहेंगे। लेकिन जो ईश्वर के बनाए हुए रूप हैं वो तो हमेशा हैं और रहेंगे, चाहे महात्मा बुद्ध हो, भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, गुरु नानक जी हो, जीसस क्राइस्ट हो, हुजूर साहब जो हैं मोहम्मद साहब के चाहने वाले मानने वाले, जो इस्लाम के मानिए जो है ना पैगंबर थे, हैं वो हमेशा रहेंगे, जब तक ये दुनिया है तब तक वो रहेंगे। तो आप समझिए कि इन्होंने भगवान को भी अपने जेब में रख लिया। उसका कारण ये हुआ कि अयोध्या जैसी जगह पर भगवान राम ने इनको लात मार के हटा दिया, वहाँ पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत के आ गए। तो आप समझिए कि उन्होंने तो भगवान को भी नहीं छोड़ा, जिसको लोग आस्था में मानते हैं, हम भी मानते हैं, हमारी भी आस्था है और हर आस्था का सम्मान करना, यह मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में बताया है कि आप किसी भी आस्था को ठेस मत पहुंचाइए, सबका मान सम्मान कीजिए, हम सबको मान सम्मान करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिवाय अपने चुनावी फायदे के आस्था के और किसी भी आस्था को नहीं मानती है। आप अगर यादव हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, फिर भी आप क्षुद्र हैं। आप अगर मुख्यमंत्री पद से हट जाते हैं तो आपका बंगला गंगा जल से धोया जाएगा। अखिलेश यादव जी का बंगला देखे होंगे आप मीडिया में, गंगा जल से शुद्ध किया गया।
दलित आदिवासी अगर इस देश में अपना हक अधिकार मांगे तो उसको जो है लात मार के बिलगा दिया जाता। कौन देगा हक अधिकार? कौन देगा हक अधिकार? इंडिया गठबंधन की सरकार देगी। लग रहा है 100% लग रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में PDA जो है इंडिया गठबंधन कितना जबरदस्त जो है ना काम किया है। चलिए उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो अखिलेश यादव जी जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट भी जीत लूं तो भी मुझे EVM पे भरोसा नहीं रहेगा। क्या लग रहा है कि अभी भी चुनाव के बाद सरकार बन गई अभी भी EVM का मुद्दा है? देखिए EVM है क्या चीज़? एक मशीन है, उसको चलाता कौन है? इंसान है। इंसान में कौन लोग हैं? सरकारी ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस लोकसभा चुनाव में जो अपना रवैया अपनाया है उसने साफ पूरे दुनिया को मैसेज कर दिया है कि वो एक तरफा काम कर रही थी। चुनाव आयोग उसका नाम जो है ना चुनाव आयोग नहीं था, वो BJP आयोग था। EVM में गड़बड़ी चुनाव आयोग में है कि EVM में है? देखिए EVM तो एक मशीन है, जैसे लोग कहते हैं कि दारू ख़राब है। अरे दारू ख़राब नहीं है, जो आदमी दारू पी रहा है और पी करके जो ड्रामेबाजी कर रहा है वो ख़राब है। तो EVM ख़राब नहीं है, EVM को जो चलवा रहा है और जो उस सिस्टम को हैक कर रहा है उसका नाम चुनाव आयोग है, वो ख़राब है। क्या लग रहा है EVM हटना चाहिए कि नहीं? EVM हट जाने से ये होगा कि जनता जो अपना वोट देगी वो कहाँ गया कैसे गया उसको सही से मालूम रहेगा। एक जगह लोग कह रहे EVM, अरे EVM ख़राब नहीं, हो तो मशीन का डब्बा है महाराज, उसमें जान प्राण थोड़े नहीं है। जान प्राण तो ब्यूरोक्रेसी में है, इलेक्शन कमीशन के अफसरों में है, जो भाजपा के बड़े बड़े होटलों में ठहरते हैं और उनके इशारे पर जो है चुनाव आयोग ने कितने भाजपा के नेताओं पर एक्शन लिया। इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने जो है इलेक्शन कमीशन में जो है ना शिकायत की, कितनों पे जो है ना कार्रवाई हुई। अरे आप उसकी बात हटाइए, हम अपनी बात करेंगे। हम सीहोर लोकसभा से आते हैं, हमने एक शिकायत किया कि एक सरकारी कर्मचारी जो है वहाँ के लोकल विधायक के साथ बूथ पर वोट के दिन फ़ोटो खिंचवा रहा है और हमने कंप्लेन किया, लेकिन आज तक निर्वाचन अधिकारी जो है ना जिला का जो है ना कोई जो है ना कार्रवाई नहीं किया। तो अब क्या कहिएगा, सत्ता का उसको पूरा जो है समर्थन है तब ना कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अगर वहीं पे कोई RJD का विधायक होता या कांग्रेस का विधायक होता या इंडिया गठबंधन का कोई भी अगर विधायक होता और उसके साथ अगर कोई सरकारी कर्मचारी अगर ऐसे किया होता तब तक वो निलंबित हो गया होता, सस्पेंड हो गया होता। निष्पक्ष किसको होना चाहिए, EVM को कि चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। EVM तो एक जो है ना बेजुबान है, उसमें जान नहीं है। जान है उसको ना कम से कम सोचना है कि क्या गलत है क्या सही है। तो देश को मैं जिस तरह से EVM के लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं देश में जो जन आंदोलन चल रहे थे EVM हटाने को लेकर वो गलत था? बहुत सही था। नहीं अभी आप कह रहे हैं कि EVM तो एक चुनाव और इलेक्ट्रॉनिक डब्बा है, उसे कोई वो नहीं है। आपने हमारे तो कहने का मतलब ये है कि अगर जिसको बेईमानी करना होगा वो तो जो है ना बैलेट में भी बेईमानी करेगा। आप मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। अगर हमको चोरी करना ही है तो पहले जैसे बक्सा जो है लूट लिया जाता था, आज भी जो है आप बैलेट से भी करवाइए फिर भी जो है आपको किसी सिस्टम पे भरोसा नहीं है। सिस्टम चुनाव आयोग पे हमको विश्वास नहीं है। चुनाव आप कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में भी धांधली होगा। देखिए बैलेट क्या होता नहीं है, आप कभी गांव में जाके देखिए जो है ना प्रधानी के चुनाव में जाके देखिए, आज भी जा करके देखिए जिसका दबदबा होता है उस बूथ पर उसका जो है ना छपा जाता है। एक चीज़ पे तो भरोसा जताना पड़ेगा ना आपको। भरोसा होगा जब इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगी तब ना विश्वास होगा जी। अवसर जब बिक जाता है। आपके पास कोई डाटा है अवसर बिकने का? चुनाव आयोग था जो निष्पक्ष उसने पूरा चुनाव कराया। देखिए डाटा की बात कर रहे हैं आप, 500 तो वीडियो ऐसे ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें BJP के विधायक और BJP के लोगों के गाड़ी से EVM बरामद हुआ है। तो वो जो EVM कहाँ से आया था जो बरामद हुआ है, सोशल मीडिया आप नहीं देख रहे हैं? विपक्ष ने नरेंद्र मोदी पर कहा कि कार्रवाई कीजिए कि वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, सरकारी प्रधानमंत्री नहीं है वो, इलेक्शन कमीशन का बाप के घर में हिम्मत है जो उस पर कार्रवाई करे इलेक्शन कमीशन? ये जो है चापलूसी करता है नरेंद्र मोदी का, ये क्या कार्रवाई करेगा? और वहीं अगर जो है ना विपक्ष का नेता अगर कोई जरा सा मिस्टेक कर दे तो उस पर नोटिस और उस पर केस और उस पर FIR और उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। चलिए आपसे लास्ट सवाल, जिस तरह से देश में EVM को लेकर लोकतंत्र की खतरा है वैसे NTA के लेकर बच्चों का भविष्य का खतरा है। और NTA और EVM की बात की जाए तो आप कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के नेता हैं और ये दोनों EVM और NTA ये दोनों कांग्रेस लेकर आई,
क्या लग रहा है? नीट का जो मामला था, भारत में जब से हम नीट लाए तब से कभी पेपर लिखा हुआ नीट में? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का भी खतरा ईवीएम से है, ये पूरे देश के लोगों ने कहा, और एनटीए से आज बच्चे करोड़ों की संख्या है जिनका बीते दिन भविष्य खराब हुआ है। लोकतंत्र और बच्चों का भविष्य, ये दोनों अगर खराब किया है तो कांग्रेस की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मोबाइल जो है और जो है ना कंप्यूटर कौन लाया? कांग्रेस ही लाई ना। स्वर्गीय राजीव गांधी जी का देन है जो आज पूरे देश में जो है हर घर में कंप्यूटर और टेलीविज़न और जो है टेक्नोलॉजी लाने वाले देश में कौन है? कांग्रेस है। और आज उसी जो है ना टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी डिजिटल इंडिया, फिजिकल इंडिया कर रहे हैं, तो उसका जो है ना सिरे किसको जाएगा? कांग्रेस को ना जाएगा। हम आपके हाथ में जो है मोबाइल दे दिए, अब आप इसे जो है इसका अच्छा कीजिए, उपयोग या दुरुपयोग कीजिए, अब ये आपके हाथ में ना है। जिस समय जगह जगह से शिकायत मिल रही थी कि बूथ लूटा जा रहा है, बूथ पर जो है ना बमबारी हो रही है, गोलीबारी हो रही है, बक्सा लूट लिया जाता है, बक्सा में नील डाल दिया जाता है, तो उस समय की जो है बहुत बड़ी जो है ना बैलेट का जो चुनाव था उसमें धांधली होता था, जिसको लेकर के बहुत जो है ना लोगों ने कहा उस समय की सरकार को कि आप लाइए, तो जाकर के हम ईवीएम लाए। जब हम ईवीएम लाए तो उससे जो है ना कई बार चुनाव निष्पक्ष हुआ। लेकिन आज समय बदल गया है, आज जो है हर जगह सीसीटीवी कैमरा लग गया है, हर जगह जो टावर खड़े हो गए हैं, हर जगह हर सबके हाथ में मोबाइल है, 2 मिनट में कहीं पे जो है ना क्राइम होता है, वीडियो वायरल हो जाता है, दूध का दूध पानी का पानी आ जाता है। लेकिन आज से 40 साल पहले किसी किसी के हाथ में मोबाइल होता था, जो अपने आप को बहुत बड़े उद्योगपति थे, उनके घर में रेड लाइन फ़ोन होता था और उसी फ़ोन पर पूरे गाँव का फ़ोन आता था और 5 रुपये 10 रुपये लेता था एक फ़ोन पर बात कराने का। तो आज कांग्रेस का देन है जो हर घर में मोबाइल है, हर घर में जो है डिजिटल लाइट हो गया है, जिसको मोदी जी डिजिटल इंडिया कर रहे हैं। क्या गुजरात से लाए हैं डिजिटल इंडिया? कि राजीव गांधी जी लाए थे, कांग्रेस लाए थे, बने बनावे घर में बस गए तो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ है। अरे आप कुछ करके तो दिखाइए। रेलवे हमारा बनाया हुआ सब बेच दिए, BSNL हमारा बनाया हुआ जियो का प्रचार कर दिए, आज इतना महंगा हो गया रिचार्ज के फिर से लोग BSNL के तरफ रुख कर रहा है। सरकारी स्कूलों का ये हाल कर दिए हैं कि गरीब का बच्चा जो है पढ़ने जाता है, अमीर का बच्चा प्राइवेट में जाता है। अरे प्राइवेट स्कूल बंद करवाइए, अगर आप सच्चे प्रधानमंत्री हैं तो आपका भी बेटा पोता जाएगा सरकारी में पढ़ने। आपने जिस तरह से कहा कि जो कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े काम किए, आपने कहा रेलवे बनाया, हाँ। सिंपैथी आती है कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को भी भगाया? हाँ, हम कहते हैं कि एक भी RSS और भाजपा के लोग बता दीजिए ना जो आंदोलन में हो। किसी देश का पहला आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है नाथुराम गोडसे, तो उनकी बात करेंगे आप? जो नरेंद्र मोदी का गुरु है वीर सावरकर, उसका नाम नहीं है माफी वीर सावरकर? बार बार अंग्रेजों से माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, माफ़ कीजिए, हम आपके लिए चापलूसी करेंगे, तब जाके उसको जेल से निकाल के बाहर लाया गया। हमको सिखाएंगे कि देशभक्ति क्या चीज़ है? अरे हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 1971 में। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है ना लाहौर में जा करके जो है ना तिरंगा फहरा के चले आए, चाइना से लड़ लिए, और आज हमारे देश में चाइना घुस गया है, प्रधानमंत्री के मुँह से चून निकलता है? हिम्मत है मुंह से बोलने का? मेन लड़ाई आज के डेट में क्या है? BJP भगाने की लड़ाई है कि BJP से हक अधिकार लेने की लड़ाई है? आप बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने देश का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया है, चाहे वो सरकारी महकमा हो, आरक्षण हो, संविधान हो, हर चीज़ पे उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। आज आप चले जाइए, ज़्यादातर आपको IAS IPS जो है ना प्रधानमंत्री कार्यालय हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी हो, सब में जो है ना बड़े जात के लोग मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में आरक्षण जो है ना ख़त्म कर दिया गया, उसको नहीं देख रहे हैं। पार्लियामेंट में महिलाओं का बिल आया 30%, उसमें से कितने SC ST को आरक्षण दिया गया है ये नहीं देख रहे हैं। लोकसभा में जब चुनाव होता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कितने SC ST को जो है ना कैबिनेट में जगह देते हैं ये नहीं देख रहे हैं। IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर की जब बहाली होती है तो उसमें कितने SC ST को आगे लेके आते हैं ये नहीं देख रहे हैं। अरे इन्होंने तो आरक्षण ख़त्म कर दिया, आरक्षण अब है कहाँ इस देश में? आरक्षण की बात किया जाए, कहें हक और अधिकार की बात किया जाए, कहें पाँव सेंटर में SC ST OBC की भागीदारी की बात किया जाए, इन सब तमाम मुद्दों पर सर से बात हुई और उन्होंने बखूबी जवाब भी दिया। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।